अमेज़ॉन स्टार्ट करने से पहले मैंने शाहिद अनवर साहब की कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी। ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने काम किया है। अब माशाल्लाह अल्लाह ने इस काबिल कर दिया है कि अपनी हर चीज़ खुद कर सकती हूँ। घर में बैठ के अपने दो घंटे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को दो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को कोई 5 टिप्स बताती हूँ जिससे आप लोग कंप्यूटर के लिए अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो आप दिन में 1-2 घंटे निकालें, उस पर आप डेली प्रैक्टिस करें, चाहे आपके पास काम आए या ना आए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फबिया फारूक है और मैं मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट हूँ। मैंने CCO का कोर्स किया था, उसके बाद मैंने जब CCO का कोर्स कंप्लीट करा तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। देन फिर मैंने मार्केटिंग की फील्ड चूज़ की, उसके बाद मैंने अमेज़ॉन ज्वाइन किया। उस दौरान अमेज़ॉन का स्कोप था तो फिर मैंने भी मार्केटिंग की फील्ड में जाके अमेज़ॉन को प्रेफर किया। उसके बाद मैंने अमेज़ॉन पे काम करना शुरू किया। मैंने अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल JDC से कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने मेरा इंटरेस्ट बढ़ा अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल में तो फिर मैंने अमेज़ॉन के डिफरेंट मॉडल्स पढ़ना शुरू किए जिसमें एफिलिएट मार्केटिंग आता है, ऑनलाइन आर्बिट्राज आता है, ड्रॉप शिपिंग आता है और इस होलसेल आता है। इस तरीके के मॉडल्स आते हैं जिनको फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, फिर मुझे हुआ कि मैं कुछ कर सकती हूँ इस पर घर बैठे ऑनलाइन, तो इसीलिए मैंने अमेज़ॉन को प्रेफर किया। अमेज़ॉन स्टार्ट करने से पहले मैंने शाहिद अनवर साहब की कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी जिसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मुझे लगा कि मुझे अमेज़ॉन चूज़ करना चाहिए। उसके बाद मैंने अमेज़ॉन का कोर्स किया। जब मैंने अमेज़ॉन का कोर्स किया तो फिर मेरा इंटरेस्ट और ज़्यादा डेवलप होने लगा। मुझे लगने लगा कि यही मेरा आगे करियर है, यही मेरा स्कोप है, मुझे इसी पे आगे जो है वो अपना फ्यूचर बनाना चाहिए, इसी पे काम करना चाहिए। अक्सर लड़कियां ऐसी होती हैं कि वो IT की फील्ड की तरफ नहीं आती, ज़्यादातर लड़कियां डॉक्टर की तरफ या दूसरी फील्डों में चली जाती हैं तो वो ज़्यादा IT की तरफ नहीं आती। लेकिन एक IT बहुत अच्छी फील्ड है, इंसान अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकता है IT में अगर अपना इंटरेस्ट डेवलप करे। अभी जैसे मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्प्लीट कर रही हूँ अपनी, उसके अलावा फ्रीलांसिंग का कोर्स भी कर रही हूँ। देन अभी 1-2 कोर्सेज़ और कर रही हूँ। मैं टीच भी करती हूँ, मैं पढ़ाती भी हूँ डिफरेंट जगह, एज अ टीचर असिस्टेंट भी मैं पढ़ाती हूँ और अपने जो कंपनी है नेऑन जीनियस उसकी मैं CEO हूँ, वहाँ पे भी मैं पढ़ाती हूँ एज अ लीड ट्रेनर। अच्छा, अक्सर लोगों के दिमाग में ना क्यूरियोसिटी होती है कि हमें जो है जैसे दराज है, अमेज़ॉन है, ईबे, हमें सिर्फ हम वहाँ से चीज़ें खरीद सकते हैं और हम अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है हमें इतने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, अकाउंट बनाना है, इतना पैसा लगाना पड़ेगा, इस तरीके की कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। मैंने सिंपली एक जो है आप कह लें सर्विस प्रोवाइडर काम किया है। मैंने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने काम किया है जिसमें ना कोई मैंने पैसे लगाए, कोई चीज़ नहीं की, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने काम किया है। इस तरीके से स्टेप ये होता है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट पर काम करते हैं। ये नहीं है कि जैसे दराज पे होता है कि हम चीज़ें सेल नहीं करते और ना हम जो है ख़रीदते हैं, हम बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लाइंट हमारे पास आता है, हम वो हमें बोलता है कि आप मुझे सोर्स करके दो, आप मुझे लिस्टिंग करके दो, आप मुझे हंटिंग करके दो, इस तरीके से जो भी होता है वो सब हम उनको करके देते हैं तो हमें उस चीज़ की पेमेंट मिलती है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हमें कोई चीज़ ख़रीदनी है या बेचनी है, इस तरह का कोई प्रोसेस नहीं है। हमें सिर्फ एक एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करना होता है उस पर। पहले जब स्टार्टिंग नहीं हुई थी, जब मैं कोर्स वगैरह कर रही थी, तो ऐसा होता था कि हर चीज़ के लिए पॉकेट मनी मांगनी पड़ती थी, मम्मा पापा से हर चीज़ का वो होना पड़ता था कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब माशाल्लाह अल्लाह ने इस काबिल कर दिया है कि अपनी हर चीज़ खुद कर सकती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, माशाल्लाह अच्छा खासा भी अर्न कर लेती हूँ। अच्छा, ये चीज़ें होती हैं कि जो लड़कियाँ होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, वो सोचती हैं कि हम ऐसा क्या करें जो हम अपने लिए कुछ कर सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें, तो उनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो सीखें, इससे फ़ायदा उठाएं। इसमें कोई टाइम रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने इतने बजे बैठना है तो इतने बजे काम करना है, इस तरीके से नहीं होता। आप लैपटॉप खोलें। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर देती हूँ कि हम जो है अमेज़ॉन मोबाइल पे नहीं कर सकते। मुझसे बहुत लोगों ने ये सवाल पूछा था कि अमेज़ॉन मोबाइल पे हो सकता है, अमेज़ॉन मोबाइल पे नहीं हो सकता। अमेज़ॉन के लिए लैपटॉप लेना ज़रूरी है या आपके पास कंप्यूटर हो तो आप उस पर आराम से अमेज़ॉन पे वर्क कर सकते हैं। जो हमारी हाउसवाइफ हैं वो सारी टाइम मैनेजमेंट के बाद थोड़ा टाइम बचता है तो उसमें इस पर अपना काम कर सकती हैं। जो लड़कियां हैं जो स्टडी कर रही हैं, मैं खुद स्टडी कर रही हूँ, मैट्रिक क्लास में हूँ, तो मेरे लिए भी ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन लैपटॉप पे लगी रहती हूँ। घर की चीज़ें भी करती हूँ, मम्मा का काम भी करवाती हूँ मम्मा के साथ, और अपना ये अमेज़ॉन भी लेके साथ चल रही होती हूँ, तो इतनी डिफ़िकल्टीज़ नहीं आती। आप घर में बैठ के अपने 2 घंटे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को दो तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। अगर आप अपना माइंड सेट बिल्कुल स्ट्रेट रखो कि मुझे करना है तो आप कर सकते हो। जो हाउस वाइफ हैं वो भी कर सकती हैं, अपने आपको इतना इंडिपेंडेंट बनाए कि आप कर सकते हो सब कुछ।
तो अब मैं आप लोगों को कोई 5 टिप्स बताती हूँ जिससे आप लोग कंप्यूटर के लिए अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जब आप कंप्यूटर खोलते हैं तो कुछ लोगों को कंप्यूटर बिल्कुल चलाना नहीं आता, उनको पता ही नहीं है फाइल्स फोल्डर कैसे बनते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो आप जो है अपना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए कि आप किस फील्ड में काम करने के लिए परफेक्ट हैं, आप CCO जिसे CIT का कोर्स भी कहते हैं वो ज्वाइन करें। उसमें आपको जो कंप्यूटर का बेसिक होता है वो समझाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप आप लोग का CCO होता है। जब आप CCO कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अपनी फील्ड चूज़ करने में आसानी हो जाती है कि आप मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं, आप जो है बिज़नेस डेवलपमेंट की तरफ हैं, या वेब डेवलपमेंट की तरफ हैं, या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ हैं। आपको आपका इंटरेस्ट पता चल जाता है। उसके बाद आप अपनी वो फील्ड चूज़ करें। जब आप वो फील्ड चूज़ कर लेंगे तो फिर आप उस पर काम करना शुरू करें। सेकंड ये होता है कि आप अपनी फील्ड चूज़ करें CCO कंप्लीट करने के बाद। थर्ड, अपने जो फील्ड चूज़ की है उस पर स्ट्रगल करें, उस पर काम करना शुरू करें। जब आप फर्स्ट और सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका थर्ड स्टेप में आपका खुद ही इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। आप खुद ही होंगे कि हम मुझे और आगे करना है, इसका एडवांस सीखना है। जब आप इसको एडवांसली पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आएगा। जब आप एक चीज़ सीखो तो आप ये चीज़ भी ध्यान में रखो कि जो मैंने चीज़ सीखी है उसकी मैं बार बार प्रैक्टिस करूँ। आपकी प्रैक्टिस जो है, आपकी प्रैक्टिस स्किल बहुत मैटर करती है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। ये नहीं है, मैंने लोगों को देखा है कि सीख के छोड़ देते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते ही नहीं है। ऐसा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। आप सीखें, आप भले दिन में 2 घंटे, 1 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तो सभी निकाल सकते हैं। तो आप दिन में 1-2 घंटे निकालें, उस पर आप डेली प्रैक्टिस करें, चाहे आपके पास काम आए या ना आए। अपनी स्किल को इतना इन्हेंस कर लें और उतनी प्रैक्टिस करें कि आप खुद ही इतने काबिल और प्रोफेशनल बन सकें।